तो गाइस एक बार बरमुडा मैप में प्लेन जा रहा था और पबजी वर्सेस फ्री फायर हो रहा था, जिसमें पबजी और फ्री फायर दोनों के प्लेयर बैठे हुए, एक साइड फ्री फायर के प्लेयर बैठे हुए थे जो काफी खतरनाक हिप हॉप सकुरा और क्रिमिनल्स के अलावा यहाँ पर रोनाल्डो आलोक और नोबड़ो की स्क्वाड भी बैठी हुई थी, और उन्हीं के बगल में यहाँ पर पबजी के बंदे भी बैठे हुए थे जो की बहुत ही ज्यादा खुकार लग रहे थे। इस टाइम पे पबजी का एक नोबड़ा बोलता है की आज तो फ्री फायर वालों को बिना डिटर्जेंट लगाए धोएंगे अच्छे से। इस बात से फ्री फायर वालों को भी बहुत ही गुस्सा था और वो बोलते हैं की सालों तुम्हें इतना मारेंगे की तुम्हारी चड्डी भी नहीं बचेगी। और गाइस अब क्या था, जैसे ही प्लेन फैक्ट्री के ऊपर से गुजरता है हिप हॉप और क्रिमिनल्स दोनों यहाँ पर लैंड कर जाते हैं। हमारा यहाँ पर एडम नोबड़ा तो ऑलरेडी लैंड कर चुका था, वो बड़े ही स्वेग से पिक के अंदर घूम रहा था। यहाँ पर आया हुआ हमारा टकनू एडम बिल्कुल नूब था, वो कुछ भी नहीं जानता था, वो गन वगैरह कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन इससे पहले गाइस आप इंसान हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप जानवर हो तो मत करो, देखते हैं मेरी वीडियो को कितने इंसान देखते हैं। आप भी मेरी तरह फ्री में हजारों डायमंड लेना चाहते हो तो ये देखो कितने कम कॉइंस में कितने ज्यादा डायमंड मिल रहे, कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, जल्दी से डाउनलोड करो। इस वजह से वो यहाँ पर सोचता है कि मैं छिपू तो किधर छिपू, और उसी टाइम वो दिमाग लगाता है चलो बॉक्स के अंदर मैं छिप जाऊं।